नमस्कार दोस्तों, किलिंग यू के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवीश मल्होत्रा एक और वीडियो आपके लिए गया हूँ। एक और पांच, एक अकेला, पांच एक साथ, पांच के दस भी हो सकते हैं, दस के बीस भी हो सकते हैं। जी हाँ, टीम की बात करेंगे, टीम स्पिरिट की बात करेंगे, एक अच्छी टीम कैसे बनाई जा सकती है, एक अच्छी टीम बनाना क्यों जरूरी है, आपको कैसे पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह ये बात मदद में आएगी। टीम क्या है? कुछ लोग जो साथ में आए हैं उनका एक कॉमन एग्जेक्टिव हो सकता है, उसको एक टीम बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम होता है, आप पर्सनल लाइफ में टीम बना सकते हैं, फैमिली में आप टीम बना सकते हैं। बट सवाल यहां पर यह है, टीम बनानी क्यों है, क्या फायदे हैं टीम बनाने के, तो द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ टीम, जी हाँ वो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पांच, जी हाँ पांच बातें, पांच फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप एक अच्छी टीम बनाएंगे तो आपको उससे क्या बेनिफिट रहेगा। पॉइंट नंबर वन, शेयर्ड पर्पस। क्योंकि सारी की सारी टीम जो साथ में आई है उनका विजन सेम है, पर्पस सेम है, आगे आने का ऑब्जेक्टिव सेम है, साथ में आने का ऑब्जेक्टिव सेम है, तो आप सब एक ही डायरेक्शन में, एक ही साथ, एक ही कॉमन गोल की तरफ काम करेंगे, तो एक सिनर्जी डेवलप होगी और आपको आपका टारगेट, आपका गोल अचीव करने में जल्दी होगा और ज्यादा मदद मिलेगी। क्लियरली आर्टिकुलेटेड वैल्यूज। हर एक टीम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, तो बहुत जरूरी है कि एक साथ काम करना है, डायरेक्शन में काम करना है, तो वो वैल्यूज सेम रहे, और उस वैल्यू से क्या रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा टीम में, और वो डिसिप्लिन आप थ्रू आउट द लाइफ कैरी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल जो बहुत बड़ा है वो है आर्मी, इंडियन आर्मी है, देश की या किसी भी देश की कोई भी आर्मी, आर्मी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, बट अक्सर देखा गया है कि आर्मी से निकलने के बाद भी, आर्मी से रिटायर होने के बाद भी, उन रूल्स को, वैल्यू को लोग प्रेफर करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। रिस्क कवर हो जाता है अगर आप एक साथ एक टीम में काम करते हैं, किसी एक के अंदर कोई टैलेंट है, किसी दूसरे के अंदर कुछ और टैलेंट है, तीसरे के अंदर कुछ और टैलेंट है, तो आप सबकी स्ट्रेंथ को साथ में लेके काम कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर कुछ वीकनेस है आप किसी दूसरे की स्ट्रेंथ से ओवरकम कर सकते हो, वाइस वर्सा ये किया जा सकता है। इट इज ऑल अबाउट वर्किंग विद अ सिनर्जी एंड वर्किंग टुगेदर फॉर दी स्ट्रेंथ। तो तीन बातें अब तक हमने यहाँ पे करी है कि पर्पस कॉमन हो जाता है, जो एक टीम बिल्डिंग का बेनिफिट है, कॉमन वैल्यूज हो जाती हैं, कॉमन रूल्स हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट ये कि रिस्क कवरेज हो जाता है, रिस्क जो है कम हो जाता है। पॉइंट नंबर फोर, सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता रहती हैं, तो एक डिसिप्लिन का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आ जाता है, और वही वैल्यू आगे जाके डेवलप हो जाती है, और फिर उसी तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं, आपका क्योंकि विजन सेम है, आपका पर्पस सेम है, तो आप रिजल्ट मेजर करना आपको इजी रहेगा, और किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, तो ओवरऑल तरीके से आपका फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पांच बातें हमने आज शेयर करी, आपसे डिस्कस करी कि कैसे अच्छी टीम बनाते हैं, एक अच्छी टीम बनाने के क्या फायदे हैं। इसी तरह के वीडियोज हम टीम बिल्डिंग पे भी, टीम स्पिरिट पे भी, और काफी सारे टॉपिक पे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो स्किलिंग यू के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ज्ञानवर्धक और बढ़िया वीडियोस के लिए, और बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।